सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर अंधे आदमी को दिखाई देना लग जाए तो सबसे पहले वो उस लकड़ी को फेंकता है जिसने उसका साथ बुरे वक्त में दिया था। ठीक उसी प्रकार मतलबी लोग होते हैं, उनका मतलब निकलने के बाद वो आपको उस लकड़ी की तरह खुद की जिंदगी से फेंक देते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में ख्वाब ख्वाहिश और लोग जितने कम हो उतना अच्छा है। आज का पंचांग 19 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:07 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 12:02 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:56 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:02 से 4:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर शाम 6:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर संचार करेंगे। वृश्चिक राशि 19 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, मरम्मत या नवीकरण के लिए आपको समय और धन की आवश्यकता हो सकती है। सुनिश्चित करें कि घरेलू मामले हल हो जाएं, बीती को विस्तार कर आगे की सुध लें। जीवन एक कार की तरह है, अगर आप उल्टा जाएं तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। आज वातावरण में उत्सव और उत्साह है, दफ्तर और अन्य मामलों को पीछे रखकर परिवार के मामलों में अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ लोग नया घर या नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं, इनमें अपने प्रियजनों की सलाह जरूर लें। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव शब्द का इस्तेमाल कायर करते हैं। पिछले कुछ समय से रुका हुआ काम आज सुचारू रूप से बन जाएगा, जिसे मन में सुकून रहेगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, यह आपके लिए फायदेमंद भी होगा। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर कामयाब रहेंगे। काम करते समय डिसिप्लिन बनाए रखें, आपके लिए आवश्यक है। फिलहाल काम से जुड़ी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए काम और टारगेट पर ध्यान दें। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार संबंधित जो चिंता है वह दूर होगी। एक दूसरे के साथ के संबंध सुधरने लगेंगे। करियर में बदलाव करने का ये समय नहीं है, फिलहाल हाथ में लिए काम को पूरा करें। सावधानियां, घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना कर सकते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, लेकिन उनसे उलझे नहीं। संबंधियों के साथ मुलाकात के लिए भी समय जरूर निकालें। बात करते हैं लव लाइफ की। मन की शांति के लिए घर से उपयुक्त कोई स्थान नहीं है, इसीलिए आज घर में अधिक समय बीतेगा। माँ के जैसी कोई स्त्री या सलाहकार आपको कंपनी देंगे। दिल की बात बताने के लिए भी अभी समय उपयुक्त है और इसके लिए आपकी एक मुस्कान व प्यार के दो बोल ही काफी है। अगर आप अपने साथी को खुश रखते हैं तो आप खुद को प्रसन्न करते हैं। आज आप अन्य मामलों की तुलना में अपने परिवार पर अधिक ध्यान देंगे। आपका दिन मस्ती में बीतेगा और आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि पैसों को प्यार से ज्यादा महत्व ना दें, क्योंकि प्यार पूरी उम्र साथ रहता है, पैसा नहीं। बात करते हैं करियर की। जीवन का यह चरण काफी समृद्ध है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। अभी कार्य और करियर पर ध्यान दें व अपने अधिकारियों का अच्छे तरीके से प्रयोग करें। वाहन, घर या घरेलू मामले आपका अतिरिक्त समय लेंगे, इसके लिए तैयार रहें। अपने पेशेवर वातावरण के साथ साथ चीजों को आसान बनाने के लिए यह समय बेहतरीन है। आपकी नीतियों और रणनीतियों की अत्यधिक सराहना की जा रही है, इससे आपकी प्रतिष्ठा और स्थिति दोनों में सुधार होगा। आज आर्थिक लाभ की भी संभावना है। आज जो विकल्प आपके पास है वो आपके लिए बेहद लाभदायक है। बात करते हैं सेहत की। पुराने स्वास्थ्य संबंधित समस्या दोबारा उत्पन्न हो सकती है, आयुर्वेदिक इलाज लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
सिर दर्द की समस्या होने की भी संभावना है। आज का उपाय, आज आप सुबह स्नान के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।